चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक पे। ठीक है, जो हमने क्विक रिवीजन वाला सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 5 टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी हमारे पास 2-3 टॉपिक मैंने कवर किया, वेक्टर कैलकुलस टाइप के कुछ टॉपिक्स को मैंने। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, दैट मीन्स कैलकुलस के पार्ट में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कैलकुलस के टॉपिक पे आप डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो भी हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एसोसिएटेड है कैलकुलस के टॉपिक से, उन पे बात करेंगे हम लोग। जो भी बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में उससे रिलेटेड है हम लोग उन पर बात करेंगे, और अगर जो हमारे शॉर्टकट से कुछ भी अगर शॉर्टकट रिलेटेड है उनसे तो मैं उन पर भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जस्ट हमारे वीडियो के लिंक के नीचे आपको लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, और उसके जस्ट राइट साइड में आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है या फिर अच्छा लगता है तो आप क्या करें, इस शेयर के बटन को क्लिक करके आप क्या करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, इससे हमारा चैनल ग्रो होने वाला है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। जैसे ही आप इस शेयर के लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के लिंक को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विक रिवीजन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर मैं बात करूँ लिमिट्स की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक में ये वाला पार्ट है, लिमिट का पार्ट। ठीक है, क्योंकि लिमिट से आपको भर भर के क्वेश्चन दिख जाएंगे, चाहे वो एल हॉस्पिटल रूल से हो या फिर हमारे पास में स्टैंडर्ड जो भी लिमिट्स के तरीके हैं, या फिर मैं उसको बोल लूँ रिजल्ट्स हैं हमारे पास में, उनसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बारी बारी से करके हर एक पार्ट पे आऊंगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल आखिर होता क्या है पहले हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है उसके बाद फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए एकदम आराम से देखिएगा। सपोज करिए हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स और कोई एक दूसरा फंक्शन गिवन है जी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, अगर सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स गिवन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और जैसे ही हम एक्स ए को अप्रोच करा रहे हों, तो अगर हमारे पास में ये वाला फॉर्म एक्स अप्रोच कराने के बाद अगर 0/0 वाला फॉर्म आता है, या फिर ∞/∞ वाला फॉर्म अगर हमें मिलता है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि हमें इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे हटाएंगे इस पे बात करते हैं। चलिए मैं इसे आप ये वाला पार्ट को इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जो लिमिट हमारे पास में है एक्स अप्रोचेस टू ए, फिर से हम पुट करके चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये 0/0 वाला फॉर्म या फिर ∞/∞ वाला फॉर्म रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारे पास में ये वाला फॉर्म हट चुका है तो हमारे पास में मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं हटा है तो फिर से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर फिर से हमारे पास में 0/0 या फिर ∞/∞ वाला फॉर्म या फिर कोई भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर हमें मिलता है, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इंडिविजुअली फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट लगा देंगे एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास में लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये वाला जो लिमिट है दैट इज एक्स अप्रोच कर रहा है किसे, 1 को अप्रोच कर रहा है, हम लोग यहाँ पर 1 डाल के एक बार चेक करते हैं यहाँ न्यूमरेटर वाले फंक्शन में एंड डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पे कि वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे ही हम एक्स को 1
पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर, वन माइनस वन, वन माइनस वन दैट इज जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, दैट इज हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हमारे पास में, हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे रूल यूज करेंगे, हमने अभी जस्ट बताया कि हम न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2x माइनस 0, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट हमारे पास में तो 0, x इस वाला डिफरेंशिएशन 2x, एकदम बेसिक। x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 और यहां पर आएगा 0, तो हमारे पास में आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब हम यहां पे चेक करने वाले हैं कि अगर हम फिर से x अप्रोच करा दे 1 को तो हमारे पास में क्या यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, x को अप्रोच कराते हैं हम 1 को तो 2 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में तो 1 ही है तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 अपॉन 1, दैट मीन्स हमारे पास में ये वाला जो फॉर्म था 0 अपॉन 0 दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो वाला रिमूव हो चुका है, 2 अपॉन 1 आया है, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से हम लोगों ने समझा, बस आपको ध्यान रखना है कि एकदम ये वाला फॉर्म, इनडिटर्मिनेट वाला फॉर्म जब हमारे पास में होगा तब ही हम ये वाला रूल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हमारे आप लिमिट के दूसरे वाले एकदम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, इससे भी भर भर एक क्वेश्चन आते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, और जो हमारे मैं अभी बताने वाला हूँ उससे भी भर भर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं उस पर, चलिए आते हैं हमारे दूसरे वाले पार्ट पे। ये हमारा जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट का, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास में। ठीक है, इसका यूज करके हमारे पास में काफी ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे गेटी पे में, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप जा सकते हैं, आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में जो रिजल्ट है ये कैसे काम करता है और आखिर ये है क्या, चलिए बात करते हैं इस पर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन प्लस एफ एक्स, हमारे पास में एफएक्स क्या है, एक फंक्शन है एक्स के टर्म में। ठीक है, होल टू द पावर वन अपॉन जी ऑफ एक्स, जी एक्स भी हमारे पास में क्या है, एक दूसरा फंक्शन है वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसकी जो हमारे पास में वैल्यू होगी, इस पूरे लिमिट की वैल्यू वो होगी इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए तो हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर किया यहां पर। ठीक है, इस स्पेशल वाले रिजल्ट पे फोकस करके। ठीक है, चलिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस टू अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स, इसकी हमारे पास में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए तो जैसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास में आएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 2 अपॉन x, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, हमारे पास में लिखा हुआ है 1 अपॉन जी एक्स के जगह पे है हमारे पास में x। ठीक है, तो हमारे पास में जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया हमारे पास में ये एफ एक्स की वैल्यू 2 अपॉन एक्स, जी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एफ एक्स को हमने लिखा 2 अपॉन एक्स, जी एक्स की वैल्यू को हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स, ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास में आया ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x approaches to infinity, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर तो कोई x का टर्म बचा ही नहीं तो हमें लिमिट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा e to the power 2, हमारे पास में सिंपली आंसर हो जाने वाला। ठीक है, तो ये छोटे से एग्जांपल के थ्रू ये वाला बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे पास में बस यहाँ पे ये वाला फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे x जो अप्रोच कर रहा है लिमिट, यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा, बट जो हमारे पास कंसेप्ट है एकदम यही कंसेप्ट हम पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए
बस आपको ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको कैसे यूज करना है, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। आई होप ये तो बेसिक वाला पार्ट है, साइन एक्स अपॉन एक्स आपको पता होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स वन है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमारे पास वन होता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पर अगर हमारे पास में बेस ई है तो हमारे पास में यहाँ वन होगा वैल्यू, ठीक है? और अगर बेस ई नहीं है तो हमारे पास में जो सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है, यहां पर आप ये वाला देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है? और हमारे पास में लॉग का यहाँ पे बेस क्या है, ए, लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ठीक है? तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों के बेस में डिफरेंस, यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस ए है, ठीक है? यहाँ एक्सपोनेंशियल बेस है, यहाँ पर हमारे में कोई एक ए बेस है, ठीक है? कोई भी वैल्यू दी होगी हमारे पास में, ठीक है? ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, हमारे पास में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या होता है, वन, ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको, ठीक है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है? ये भी क्लियर। ये वाला जो हमने रेड पेन से लिखा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए मैंने रेड से लिखा अलग से करके सेपरेट आउट करके। चलिए देखते हैं क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ठीक है? ये स्टैंडर्ड है हमारे पास में रिजल्ट। और ये वाला जो हमारे पास में है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू हाफ, ठीक है? काफी जब बार हमारे पास में इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, एकदम आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में ये फॉर्मेट हमें दिख गया तो, ठीक है? चलिए तो हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जो मिक्सअप क्वेश्चन हमारे पास में हो इन सब का, ठीक है? दो तीन प्रॉपर्टीज का मिक्सअप क्वेश्चन हो एकदम तगड़ा वाला, उसको हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आपका आइडिया थोड़ा ज्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है? वन माइनस कॉस टू एक्स इन टू साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन टू साइन थ्री एक्स, ठीक है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, जो भी हमारे उसमें अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं लिमिट की, उन पे हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारे उसमें रिजल्ट था लिमिट का, उन पे हम लोग उनका यूज करके बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर था, तो हमारे पास में यहाँ एक्स की जगह पे क्या है, टू एक्स है, तो हमारे पास में हमें यहाँ क्या चाहिए होगा, टू एक्स का स्क्वायर चाहिए होगा। दैट मीन्स हमने ये टू एक्स का स्क्वायर लिख दिया, हमने डिवाइड किया 2x का स्क्वायर से, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2x के स्क्वायर से, ठीक है? और ये जो हमारे पास में x स्क्वायर है हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया हमने 2x स्क्वायर से, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में हो गया, यहाँ पर होगा हमारे पास में 4x स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है? यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 4x स्क्वायर से और डिवाइड भी किया है 4x स्क्वायर से, ठीक है? ठीक है, और जो हमारे पास डेनोमिनेटर में पार्ट ये वाला x स्क्वायर जो था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास में ये वाला लिमिट जो था इसका तो काम हो गया, दैट इज 1 माइनस cos 2x वाला तो हमने काम कर दिया। अब साइन वाला देखते हैं, साइन ऑफ 5x है, तो हमें ये पता है कि साइन ऑफ x अपॉन x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 5x है, तो नीचे में क्या होना चाहिए, फाइव एक्स होना चाहिए, तभी तो हमारे पास में वन होगा, साइन ऑफ फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स क्या होगा, इक्वल टू वन, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया फाइव एक्स से और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया फाइव एक्स से, ठीक है? चलिए तो हमारे पास में ये वाला पार्ट आया, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो पार्ट है साइन थ्री एक्स वाला पार्ट इसको देखते हो, तो हमारे पास में क्या होने वाला, यहाँ देखिए साइन थ्री एक्स डिनोमिनेटर में है, हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ थ्री
x, और ये वाला पार्ट साइन ऑफ x अपॉन x, दैट इज हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे, 3x से, तो साइन x अपॉन x क्या हो गया हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में कुछ यहाँ तक बात अभी तक तो क्लियर है, और हमारे पास में कुछ यहाँ तो बचा नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, इस लिमिट की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास में कैंसिल, और ये 4 तो यही रह गया। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास में हो गई 1, और यहाँ पर है 5x। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास में हो गई 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है 3x। ठीक है, हमारे पास में अब क्या है, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आएगा, ये आएगा 2, 5 × 2 = 10/3। हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है, 10/3। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में जो मैंने ये वाला लिया, ये मिक्सअप क्वेश्चन हमारे पास हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इससे आपको बेसिक आइडिया क्लियर होने वाला है कि जो हम जो डिफरेंट स्टैंडर्ड हमारे पास में लिमिट के रिजल्ट्स हैं, हम लोग एक साथ कैसे यूज करने वाले हैं, अगर क्वेश्चन एक साथ आता है तो। ऐसे अगर इंडिविजुअली आता है तो आप इंडिविजुअली आराम से यूज कर लेंगे, बट अगर एक साथ हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमारे पास में यूज करना होगा तो हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अप्रोच लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए तो हम लोग लिमिट के लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट, और जो यहाँ से डबल इंटीग्रल का पार्ट है हम लोग वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रल के थोड़े बहुत जो बेसिक्स हमारे पास में है उन पर भी हम लोग बात करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाक से देखते हैं इस वाले पार्ट को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए नॉट ए वन, और ये जो हमारे पास में ए एन तक है, ए एम तक है, ये सारे कॉन्स्टेंट हमारे पास में। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास से कुछ भी हो सकती है, -1, -2, 1, 2, 4, इस तरह से कुछ भी हो सकती है वैल्यू एट रैंडम। ठीक है, सिमिलरली b0, b1, b2, b3 up to bn हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। और हमारे पास में यहाँ जो m और n है, दैट इज x^m and x^n, ये क्या है, उनके पावर्स हैं, m और n, उन पे पावर चढ़ाया हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में अब क्या होना चाहिए, अगर m और n, दैट मीन्स ये जो पावर है हमारे पास में x का, वो अगर दोनों का सेम होता है, दैट मीन्स अगर सपोज कर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो जब हमारे पास लिमिट की वैल्यू होगी वो उनकी कोएफिशिएंट का रेशियो हमारे पास में हो जाएगा, दैट इज ए नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है, अगर हमारे पास में पावर सेम होता है तो, दैट मीन्स सपोज कर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास में जो आंसर होने वाला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो क्या होने वाला है, उसका जो कोएफिशिएंट होने वाला है, दैट इज एक्स टू द पावर एम का कोएफिशिएंट क्या है, ए नॉट, और एक्स टू द पावर एन का कोएफिशिएंट क्या है, बी नॉट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करूँ, अगर हमारे पास में m की वैल्यू n से बड़ी अगर होती है, सपोज करिए m हमारे पास में हो गया 3, दैट इज x क्यूब हमारे पास में न्यूमरेटर का पावर, और जो डिनोमिनेटर का पावर है हाईएस्ट पावर वो क्या है, x टू द पावर 2, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास में हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड वाला केस, अगर m की वैल्यू n से छोटी होती है, सपोज करिए x टू द पावर 2 है यहाँ पर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है x क्यूब, दैट इज x टू द पावर m की वैल्यू 3, तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है लिमिट x n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n हमारे पास में है। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1² + 2² + ……n² ठीक है, अपॉन n का क्यूब हमारे पास में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे पास में अगर हम स्क्वायर को हर एक नंबर का स्क्वायर करें, उसको सम करें 1² + 2² + इस तरह से करके अगर n स्क्वायर करें, तो हमारे पास क्या होता है, n (n+1)(2n+1)/6 होता है। ठीक है, और ये n क्यूब तो हमारे पास में नीचे में ऑलरेडी था पहले से, तो हम क्या करने वाले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है,
हमने क्या बोला था, जो पावर है हमारे पास में, यहाँ तो ये यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर क्या है n है, तो हम लोग यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर हम लोग n को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ n का जो डिनोमिनेटर का हाइएस्ट पावर है वो है एन क्यूब, ठीक है, और न्यूमिनेटर का हाइएस्ट पावर हमारे पास में n का क्या है, अगर आप कंसिडर करें एन इंटू एम एन स्क्वायर, और अगर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वैसे टू एन क्यूब हो जाएगा। ये आप देखें, मैं बाकी सारे पावर पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ हाईएस्ट पावर पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एन इंटू एन एन स्क्वायर, और ये जब एन स्क्वायर टू एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू एन क्यूब, और नीचे में हमारे पास में है सिक्स एन क्यूब। मैं बाकी वाले पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था, ये वाला देखिए आप पहला वाला काम करेगा यहाँ पर, दैट इज एम इक्वल टू एन, दैट मीन्स ये जो पावर है हमारे पास में ये क्या है, यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है, तो हमारे पास में लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उनका कोएफिशिएंट दैट इज ए नॉट अपॉन बी नॉट, तो कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या है टू एंड सिक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा टू अपॉन सिक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट, इतने वाले पार्ट को करके आप लिमिट के ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले अब टॉपिक पे, जो कि हमारे पास में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पार्ट पे, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास में यहाँ पर कोई एक फंक्शन गिवन है वाई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिखें, या फिर हम यहाँ पे लिखें f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी पॉइंट पता करना होगा कि स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास में कहाँ पर है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो क्या आएगा हमारे पास में, यह आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमने पार्टिकुलर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, हमने जीरो के साथ जैसे इक्वेट किया x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, टू एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, यह आ गया हमारे पास में। दैट मीन्स हमारे पास में स्टेशनरी पॉइंट क्या है, माइनस वन है। अब हमें चेक करना होगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पे एट स्टेशनरी पॉइंट दैट इज माइनस वन पे ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। अगर हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमारे पास में क्या है स्टेशनरी पॉइंट है जो हमारा, अगर लेस देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ, ये जो हमारे पास में पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आता तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आपसे सॉरी इक्वल टू को साइन को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उस स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम पुट आउट करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा इसका हमारे पास में टू आ जा रहा, ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव किया तो टू आ गया। दैट मीन्स हमारे पास में क्या आ रहा है, पॉइंट रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है हमारे पास में, तो हमारे पास में डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो हमारे पास में एट एक्स इक्वल टू वन ये क्या होने वाला, फंक्शन क्या देगा हमें, मिनिमा देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारे पास में क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी वाले पार्ट में सब और इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इस वाला मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज हमारे पास में किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी और किस पॉइंट पे होगी, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में गेट के वहीं से आता है, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, जो कि हमारे पास में है मैक्सिमम मिनिमा का, क्या मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की या फिर मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास में कोई एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और जो हमारे पास में x की इंटरवल दी गई है वो दी गई है क्लोज इंटरवल जीरो से टू, ठीक है, और हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होने वाली है, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं मैं वो बता देता हूँ।
मैं सॉल्यूशन नहीं करने वाला इसका एग्जैक्ट, बस सिर्फ प्रोसीजर बता कर देता हूँ यहाँ से कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे जाने वाले हैं, आप लोग खुद से आंसर भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 2x + 2 आ जाएगा। उसे क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा जीरो के साथ में, जैसे इक्वेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, x = -1, अभी जैसे हमने निकाला था, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करने वाले हैं कि f डबल डैश एट x = -1 हमें क्या दे रहा है, ये चेक करेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एफ ऑफ -1 निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में दोनों पॉइंट्स क्या है, इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल है, इसलिए हम लोग जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है दोनों पे ही हम फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकती है, या तो मैक्सिमम हो सकती है या तो मिनिमम हो सकती है। इस कारण से हम एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 और ये जो हमारे पास में स्टेशनरी पॉइंट है वहां पर तो चेक करेंगे ही, और एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 पे भी जो हमारे पास वैल्यू है वो भी हम चेक करेंगे। इन तीनों में से जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी वो क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू के लिए सिमिलर वाला प्रोसीजर अपनाते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोसीजर, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, जस्ट मैंने तो यहाँ पे एट रैंडम एग्जांपल लिखा तो आंसर कुछ भी आ सकता है, मैंने एट रैंडम यहाँ पर अपने मन से कुछ भी यहाँ पर फंक्शन लिखा और यहाँ पर रेंज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता आंसर आया ना आया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस प्रोसीजर यहाँ पर बताने का मेरा मोटिव था, ठीक है। आई होप ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की या फिर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारे पास में, चलिए यहाँ पे मैंने एक वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था जो कि हमारे पास में था, अगर डबल डेरिवेटिव अगर इक्वल टू जीरो होता हमारे पास में तो क्या हो जाता हमारे पास में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिलता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे से बात हुई कि जब हमारे से डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है उस पॉइंट पर, स्टेशनरी पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या मिलता है, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास कुछ बात हुई, अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल वाले पार्ट पे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सिंगल इंटीग्रल पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन पे, थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बस स्टार्ट करते हैं हमारा सिंगल इंटीग्रल वाला पार्ट। चलिए तो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को हमें याद रखना चाहिए जिससे कि हमारे पास में जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट करने में हमें काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 0 to a f(x) dx की वैल्यू हमारे पास में होती है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 to a f(a - x) dx, ठीक है। सेकेंड वाले पे अगर हम बात करें ये हमारे में एकदम जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी है, a to b f(x) dx = -b to a f(x) dx, दैट मींस अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, f(x) dx हमारे पास में सेम रहता है। ये वाला जो हमारे पास में है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं इस पे। इंटीग्रल -a to a f(x) dx = 2 × 0 to a f(x) dx कब होगा हमारे पास में, जब फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो हमारे पास में इंटीग्रल की वैल्यू इस तरह से डिफाइन होगी, और अगर हमारे पास में फंक्शन ऑड हुआ तो हमारे पास में इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। अब फंक्शन ऑड कैसे होगा और इवन कैसे होगा ये हम चेक कैसे करेंगे, फंक्शन के जगह पे हम f(-x) पुट करेंगे, और अगर f(-x) की वैल्यू अगर हमें f(x) मिलती है तो हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, और अगर हमारे पास में x की जगह पे अगर हम फंक्शन में -x अगर पुट करते हैं और तो हमारे पास में अगर -f(x) अगर हमें मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे से क्राइटेरिया है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए। तो हमारे पास में हम अगर इवन फंक्शन आया तो हम लिखेंगे 2 × 0 to a f(x) dx, और अगर हमारे से ऑड फंक्शन आ गया तो हम सीधा इंटीग्रल जीरो लिख देंगे, ठीक है।
ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पर। ये हमारे पास में 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसकी वैल्यू हमारे पास में इस पार्टिकुलर इंटीग्रल की, या फिर मैं अगर बात करूं इस पार्टिकुलर इंटीग्रल की, जो हमारे पास में वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है, दैट इज माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने के दौरान। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है और उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है या क्या शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास में, वो बात हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, काफी ज्यादा आसान होगा। 0 से 2 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3 बाई 2 डी एक्स। सपोज करिए हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन लिखा हुआ, ठीक है, तो जब भी आपको सिंगल इंटीग्रल हो तो आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको टी मानने की कोशिश करिए, जिससे कि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। सपोज करिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लिया, टी ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होगा, तो हम यहाँ पर तो डी एक्स है, दैट मीन्स हमें डी एक्स यहाँ पर लाना होगा, दैट इज 2x dx। हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल टू dt, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt by 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो dx है उसकी जगह क्या लिखेंगे, dt by 2x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह पर जहां जहां x है वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करके t के पैरामीटर में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ dt आ चुका है, तो t के टर्म में हमें इंटीग्रेट करना होगा ना। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हमें टी पुट करना, टी टू दी पावर 3 बाय 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक्स क्यूब को हम कैसे रिमूव करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स क्यूब, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टी माइनस 1। तो हमने इस एक्स स्क्वायर को हटाया और लिखा यहाँ पर टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई। चलिए अब हमारे पास सबसे मेन बात आती है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिमिट को चेंज करना भूल जाते हैं। 90% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट को चेंज करना भूल जाएंगे। बस इतने से छोटे सी गलती के लिए आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पर जब भी आप याद रखें कि सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करते हैं कोई भी दूसरे पैरामीटर में, टी में या फिर आप टी मानते हैं या कुछ भी मानते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंटीग्रल की लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास में एक्स के लिए रिस्पेक्टिव है, जीरो से लेकर टू हमारे पास में लिमिट, लेकिन जब हमने टी पैरामीटर ले लिया है तो अब हमें जो हमारी जो लिमिट होगी वो अलग होगी। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी था, तो एक्स कहां से वेरी कर रहा था हमारे पास में, जीरो से लेकर टू वेरी कर रहा था क्या, एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जीरो पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये देखिए टी की वैल्यू आएगी 1, दैट मीन्स जो लोअर लिमिट होगा हमारे पास में वो होगा टी का 1। ठीक है, और अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की अपर लिमिट क्या थी हमारे पास में, 2, तो एक्स की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ गया, 5, दैट इज टी इक्वल टू 5। तो हमारे पास में ये देखिए पहले थी लिमिट 0 से लेकर 2, अब हो गई हमारे पास में लिमिट 1 से लेकर 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेंगे t अपॉन t टू दी पावर 3 बाई 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में t टू दी पावर 3 बाई 2, और ये तो हमारे पास में 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 1 से लेकर 5 तक में। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो आप खुद से ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा, हाँ 3 बाई 2 था, तो आप इसको खुद से ही परफॉर्म कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं आप। ये तो आपने जस्ट बेसिक पढ़ा है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके आगे बना सकते हैं। मेरा ये बताने का जो मोटिव है वो क्या था कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको क्या करना है, लिमिट यहाँ पर जो है उसमें चेंज करना है, और जब आप सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ ऐसे वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि आपका जो ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी सब्स्टिट्यूशन की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डबल इंटीग्रल पे और
सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो हम डबल इंटीग्रल पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, आइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डबल इंटीग्रल वाले पार्ट पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है। चलिए कैसे परफॉर्म करते हैं, बेसिक वाले पे एकदम बेसिक पे बात करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास डबल इंटीग्रल है, तो दो इंटीग्रल हमारे पास में हमने लगा दिया, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में सपोज करिए कुछ भी है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर लिमिट्स डिफरेंट टाइप कर देते हैं, यहाँ जीरो से वन कर दिया, यहाँ पे जीरो से टू कर दिया, ठीक है। अब हम कंफ्यूजन यहाँ पे ये यह होती है हमारे पास स्टूडेंट के पास में कि पहले एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करें या फिर वाई के टर्म में इंटीग्रेट करें, पहले वाई के टर्म में इंटीग्रेट करें या फिर एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करें। तो इस तरह कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में काफी ज्यादा चलता है, ठीक है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि पहले किसके टर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करिए हमारे पास में जो लिमिट, दोनों की जो लिमिट दी गई है वो लिमिट अगर कांस्टेंट है, दैट इज 0 से 2, 0 से 1 इस तरह से कांस्टेंट है, या कोई फंक्शन नहीं है, दैट इज x और y का वेरिएबल हमारे पास में अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, तो लिमिट हमारे पास में जो होगी वो अंदर वाली जो लिमिट है वो अंदर वाले जो dx वाले पार्ट है उसकी हमारे पास में हो जाएगी। दैट मींस ये हो जाएगा हमारे पास में x का लिमिट, ठीक है, और ये जो हमारे पास में लिमिट है बाहर वाली लिमिट की हो जाएगी, दैट इज ये y का लिमिट हो गया। तो x हमारे पास में वेरी कर रहा है 0 से 1, y हमारे पास में वेरी कर रहा है 0 से 2, और हम सबसे पहले इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज इस वाले पार्ट को x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे y के टर्म में फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पे, मैं इसे इरेज करता हूँ और यहाँ पर लिमिट एक बार चेंज करके बताता हूँ कि सीन क्या होता है जब हम यहाँ पर लिमिट दूसरा रखते हैं तो, ठीक है। अब चलिए हमारे पास में हमने क्या किया, जो कांस्टेंट लिमिट थी हमने वो हटा दिया, अब हमने यहाँ पर वेरिएबल लिमिट लगा दिया, दैट मींस 0 टू x और यहाँ 1 टू y। अब हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी लिमिट x की है, कौन सी लिमिट y की है, और पहले किसके टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये तो फंक्शन पे हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फंक्शन तो हमेशा चेंज होता रहेगा, उसके लिए हमें कोई वरी नहीं करना, हमें वरी करना है लिमिट पे और यहाँ पे dx और dy के पैटर्न पे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास में अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा लिमिट एक्स का है, कौन सा लिमिट वाई का है, ठीक है। तो ये वाला जो लिमिट है हमारे पास में वो क्या है, जीरो टू एक्स है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स इन्वॉल्व हो रहा है जीरो टू एक्स, तो हमारे पास में ये किसकी लिमिट हो जाएगी, ये वाई की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, इसमें वाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारे पास में एक्स की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। हमने कैसे बोला, अगर हमारे पास में जो लिमिट है वो 0 टू x है या फिर 1 टू x है या 1 से 2 x है, इस तरह से अगर करके है, दैट इज x के टर्म में है, तो वो y की लिमिट होगी, और अगर y के टर्म में है तो वो x की लिमिट होगी, एकदम बेसिक बात, ठीक है। अब कैसे परफॉर्म, कैसे किसके टर्म में पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास में y की लिमिट है, तो अंदर वाले इंटीग्रल को हम लोग पहले परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या बोला कि जो अंदर वाला इंटीग्रल है, दैट मींस ये वाला इंटीग्रल, मैं रेड कर देता हूं, ये वाला इंटीग्रल है, इसको हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे, और ये किसका लिमिट है, वाई का लिमिट है, जिसका मतलब क्या, हम लोग वाई के टर्म में पहले इंटीग्रेट करेंगे। हम इसके ऑर्डर को अभी कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास में यहां पर कॉन्स्टेंट लिमिट तो है नहीं, इस कारण से हम इसके ऑर्डर को कोई हमारे पास में इसका सेंस नहीं काम करेगा, ठीक है। दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑर्डर से जाना पड़ेगा, दैट मींस हमारे पास में अंदर की लिमिट किसकी है, ये y की लिमिट है, इसलिए हमें y के टर्म में पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारे पास में x के टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास में कुछ बात हुई, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, अब हम चेंज करते हैं कुछ इसी सिनेरियो को चेंज करते हैं। चलिए अब सपोज करिए हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें हमारे पास में लिखा हुआ ओवर द रीजन, ओवर द रीजन x प्लस वाई इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू जीरो। इस रीजन में हमें क्या करना है, इस फंक्शन की डबल इंटीग्रेट, हमारे इस फंक्शन के लिए डबल इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास में लिमिट तो हमारे पास में दी नहीं गई है, तो हम लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे। अब तो सबसे पहले हमारे जो रीजन दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है।
प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू जीरो की लाइन क्या होगी हमारे पास में, ये, और x प्लस y इक्वल टू वन की लाइन हमारे पास में होगी ये, दैट इज जीरो वन, और ये होगी हमारे पास में वन कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या लाइन है, x प्लस y इक्वल टू वन, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, तो लिमिट डिसाइड करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, दो तरीके होते हैं हमारे पास में यहाँ पर, जिसे हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे dx और dy भी लिखता हूँ पहले, ये देखिए। चलिए तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल स्ट्रिप बनाकर हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर y एक्सिस के पैरेलल हमारे क्या करेंगे हम लोग, तो सॉरी ये हमारे पास में क्या, ये हमने क्या किया, y एक्सिस के अलोंग हमने एक पैरेलल स्ट्रिप बनाया है, ठीक है, और हम लोग लिमिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में इस वाले पार्ट का हमें निकालना है पूरा एरिया, डबल इंटीग्रेशन एरिया देता है, ठीक है। तो x की लिमिट हमारे पास में हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे लेंगे, जो कि हमारे पास में क्या होगी, जीरो से लेकर वन तक, ठीक है। जो हमने स्ट्रिप बनाई है वो कहां से कहां तक है, उसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू, क्योंकि हमने y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाई है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, जीरो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स। तो हमारे पास में लिमिट डिसाइड होगी, और हम लोग हर टाइम क्या करने वाले हैं, इस जो भी हमने स्ट्रिप बनाया है जिसके अलोंग y एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप बनाया है, उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे और उसे पहले परफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स हमने जिस भी लिमिट को के लिए स्ट्रिप बनाया है उसे हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे। तो हमने ये लिमिट किसकी थी, y की, तो हम लोग यहाँ dy लिख लेते हैं और यहाँ पर dx लिख लेते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले फंक्शन को हम y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के टर्म में इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो हमारे पास में x की लिमिट है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी को हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज एक x एक्सिस के पैरेलल भी हम लोग एक स्ट्रिप बनाकर कर सकते थे, इसी वाले पार्ट को, वहां पर इंटीग्रल की हमारे पास में जो लिमिट होती वो क्या होती, वो हमारे पास में होती y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू वन, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिप हमारे पास में है, स्ट्रिप x एक्सिस पैरेलल है, तो x की बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है हमारे पास में, जीरो, और x की टॉप मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है, x की टॉप मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है हमारे पास में, वन माइनस वाई, ठीक है। और हमारे पास में तो हम लोग स्ट्रिप हमने क्या बनाया, x एक्सिस के पैरेलल बनाया स्ट्रिप, तो हम लोग क्या करेंगे, x के टर्म में पहले इंटीग्रेट कर देंगे और y के टर्म में बाद में करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। जिस के अलोंग हमने स्ट्रिप बनाया है उसे हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट को हम लोग अंदर लिखेंगे, दैट इज अंदर वाला इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको डिटेल में एकदम यहाँ पे पढ़ना है डबल इंटीग्रल, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको एकदम बेसिक से बेसिक लेवल से हमने चेंज ऑफ ऑर्डर वगैरह क्वेश्चंस भी मैंने आई थिंक किए हुए वहां पर, और बेसिक वाले पार्ट भी मैंने दो तीन क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको वहां से काफी ज्यादा बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने बेसिक आइडिया दिया है, बट अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप वहां से कैरियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आज का जो हमारा ये सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे, किसी के भी थ्रू आप सिमिलर नंबर हमारे पास में ये अवेलेबल है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे चैनल के लिए, अगर आप एबल हैं तो। और अगर आप हमारा कंटेंट, हमारा जो चैनल पे हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है और अगर आपके प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। चलिए, और प्लीज ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल के लिए कुछ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।